हेलो फ्रेंड, ये मेरा इलेक्ट्रिक साइकिल है। ये साइकिल हम घर में बनाए हैं। ये एक नॉर्मल BSA SLR साइकिल से हम इलेक्ट्रिक साइकिल में कन्वर्ट किए हैं। आज ये वीडियो में हम दिखाएंगे ये साइकिल कितना दूर चलता है, इसमें क्या-क्या है, कितना वाट का मोटर है, कितना चार्ज में क्या बैकअप देता है, ये हम आपको डिटेल्स में दिखाएंगे। ये है साइकिल का इग्निशियन स्विच। ये स्विच है, ये की को हम जब ऑन करेंगे तो आपको ऊपर में, यहाँ पे देखिए LED इंडिकेटर है। अभी हम ऑन किए हैं तो यहाँ पे LED इंडिकेटर में दिखाई देगा, 5 LED है। और आस्ते आस्ते जितना बैटरी कम होते जाएगा, ये LED आस्ते आस्ते करके बंद होते जाएगा। और ये इसमें लाइट भी है और ये हॉर्न भी है। ये जो आप ब्रेक देख रहे हैं, ये एक कंट्रोलर का साथ जुड़ा हुआ है। ये हम जब ब्रेक चापते हैं तो मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। और इसका पीछे में जो टेल लाइट है, यहाँ पे देखिए, जो टेल लाइट है, बैक लाइट है, ये जलता है। दोनों ब्रेक से कोई भी एक आप दबिएगा तो ये जलेगा। ये है साइकिल का बैटरी। ये जो आप बक्सा देख रहे हैं लाल काला करके, ये बक्सा टूल बॉक्स है जो हम ऑनलाइन से मंगाया है। और ये टूल बॉक्स का अंदर है 4 बैटरी, 12 वोल्ट का, 7 एम्पेयर का बैटरी। और इसका साथ इसका अंदर एक कंट्रोलर भी है, 250 वाट का कंट्रोलर। और ये है स्विच, कंट्रोलर का साथ जुड़ा हुआ है स्विच जो मेरा और मोटर ऑन करता है और यहाँ पे इंडिकेट करता है। ये साइकिल में आप पैडल करके भी चला सकते हैं और मोटर भी चला सकते हैं। ये देखिए, इसमें पीछे का चक्का में 2 फ्री व्हील हम लगाए हैं। एक फ्री व्हील है पैडल करने के लिए, देख रहे हैं पैडल से चल रहा है चक्का। और दूसरा जो फ्री व्हील है उसका साथ चेन है जो 250 वाट का मोटर का साथ जुड़ा हुआ है। ये है 250 वाट का मोटर। और जब हम एक्सीलेटर देंगे तो ये मोटर चलेगा और चेन नहीं चले, पैडल वाला चेन नहीं चलेगा। खाली मेरे देखिए, अभी पैडल बंद हो गया है और मोटर वाला चेन चल रहा है। ये मोटर में चल रहा है, बहुत जोर चलता है मोटर में जब चलता है। अब देख सकते हैं ये मोटर से चल रहा है। और जब आप मोटर छोड़ दीजिएगा तो आप पैडल करके भी ये चला सकते हैं। बैटरी का जो बॉक्स है उसका दाएं साइड में है चार्जिंग सॉकेट। ये देखिए, ये है चार्जिंग सॉकेट। और ये चार्जिंग सॉकेट में हम चार्ज देते हैं एक चार्जर से। ये है वो चार्जर, ये 24 वोल्ट का चार्जर है। और ये एक बार चार्ज देने में 6 घंटा लगता है। 6 घंटा चार्ज देने से ये 25 से 30 किलोमीटर तक चल सकता है। और इसका मैक्सिमम स्पीड भी है 25 से 30 किलोमीटर पर आवर। इसका साथ हम साइकिल में लगाए हैं एक स्पीडोमीटर जो कितना किलोमीटर में स्पीड में ये चलता है, कितना किलोमीटर चला है, ये सब रिकॉर्ड रखता है। और ये स्पीडोमीटर का साथ तार से जुड़ा हुआ है सामने चक्का में एक सेंसर, देखिए ये वाला सेंसर है। और ये चक्का का स्पोक में भी एक मैग्नेट है, ये हमको ठीक रीडिंग देता है जो कितना किलोमीटर ये साइकिल चल रहा है, कितना चला है, ये समझने में हमको सुविधा होता है जो बैटरी कितना बचा हुआ है। वीडियो अच्छा लगने से ज़रूर लाइक कीजिए। और ये साइकिल के बारे में कुछ जानना है तो हमको कमेंट में लिख के बोलिए, हम ज़रूर कोशिश करेंगे उसका आंसर देने के लिए। और आज के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।